नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, मैक्सिमम देखिएगा क्वेश्चन ये रेज हो रहे हैं कि सर किन बैंकों पे फोकस किया जाए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिएगा, मैंने आपको पहले SBI बताया था, HDFC बैंक बताया था, इसके बाद भी दो बैंक बताए थे, लेकिन ये जो बैंक है वो केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूं। और इन बैंकों में क्यों आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा ये भी मैं लॉजिकल रीजन के साथ बता के बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले एक वीडियो के नीचे अनाउंसमेंट चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बैंकों पे टोटली गाइड करते रहें कि जनवरी में कौन से बैंक आपको पैसा बना के देंगे, तो वीडियो के नीचे यस कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बैंक को मैं अंडर वैल्यूड इसलिए मानता हूं, ये बहुत जबरदस्त बैंक है। कुछ दिक्कतें आने के कारण लाइक इलेक्शन और समथिंग, उसके बाद देखिएगा कुछ ये कोविड, इन दोनों वजह से स्टॉक में और बैंक में काफी असर देखने को मिला है। लेकिन ये बैंक बहुत ही क्वालिटी है, अगर ये अच्छी तरीके से 2-3 क्वार्टर अच्छे निकाल दें तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। और अभी ये मार्केट रेट यानी कि जो पी कंपैरिजन कराएंगे, सेक्टर का कंपैरिजन कराएंगे, तो उसमें आपको बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है, अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे एक्सपर्ट की रेटिंग की, तो एक्सपर्ट की रेटिंग 46% इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि 2-3 ऐसे ड्रॉबैक आए हैं बैंक में जिसके कारण एक्सपर्ट थोड़े कम बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। लेकिन मैं भी अभी भी मानता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की रेटिंग 60% के आसपास होनी चाहिए और केवल इट नीड्स 2 क्वार्टर, यानी दिस बैंक नीड्स ओनली 2 क्वार्टर टू रिबाउंड, यानी कि 2 अच्छे क्वार्टर अच्छे दे देंगे और देखिएगा रिबाउंड आपको अच्छा देखने को मिलेगा और बढ़िया लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि यहां पे एक्सपर्ट की रेटिंग पे ना जाए, कंपनी की बैलेंस शीट पे वर्क करते रहे, बैंक की बैलेंस शीट पे वर्क करते रहे, लाइक हाउ दे आर इंप्रूविंग देयर रिजल्ट। अब इनको गवर्नमेंट के टेंडर भी मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी देखिएगा बहुत सारे काम इनको दिए जाएंगे, ये इनके लिए पॉजिटिव अपडेट आया था, मैंने आपको गाइड भी किया था उस पे। और अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू मॉडल काफी अच्छा है, कोविड में भी कोई खासा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन डिफॉल्ट एनपीए और ग्रॉस एनपीए ऐसे फैक्टर हैं जो बैंकों के साथ अभी बने रहेंगे क्योंकि कोविड के कारण बैंकों के फाइनेंशियल सिस्टम पे भी असर पड़ा है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फाइनेंशियल सिस्टम पे भी असर पड़ा है। तो उस कारण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। ये स्टडी आप कहाँ पे कर सकते हैं, टिकर टेप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टिकर टेप पे जाके आप देखिएगा हर एक प्रो चीज भी जान सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपको पता चल जाती है। आगे अगर बात करेंगे तो मैं बात किस बैंक की कर रहा हूं, मैं बंधन बैंक की बात कर रहा हूं। बंधन बैंक टोटली ओवरसोल्ड स्टॉक है, अगर आप देखेंगे मेरा व्यू केवल 15 दिन का है, 15 दिन में यानी कि जब तक इनके रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक का ही मेरा व्यू है, रिजल्ट से पहले पहले ये स्टॉक मोमेंटम दे देगा, रिजल्ट तक भी मोमेंटम दे सकता है, इसलिए मैं इस बैंक पे देखिएगा आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं और इसका मैं प्रॉपर लॉजिकल रीजन आपको दूंगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे, लाइक आपको पता है 265 लो था, 2-3 बार स्टॉक ने वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने मोमेंटम भी दिया था 6-8% का, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। तो निफ्टी बैंक में बिकवाली आई तो चाहे जितने भी अच्छे बैंक हो वो भी टूटे हैं, बेहतरीन बैंक भी टूटे हैं, तो बंधन बैंक की तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये भागा हुआ स्टॉक नहीं था, ये पहले से पिटा हुआ स्टॉक था और पिट गया है, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव लग रहा है इन पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे, तो वो चीज आपको देखने को मिल रही है। सेकेंड चीज, RSI भी देखिएगा यहाँ पे ओवरसोल्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो MACD देखिएगा जो देखिएगा सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक एक रिबाउंड चाहता है और निफ्टी बैंक में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिलता है तो स्टॉक में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सिनेरियो क्या है, ओवरसोल्ड में है और काफी देखिएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे स्टॉक खड़ा हुआ है। अगर यहां से मोमेंटम आता है तो आपको पहला लेवल मिलेगा 275 का और 275 का देखिएगा ब्रेकआउट आता है तो फिर 282 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई बैंक ढूंढ रहे थे तो बंधन बैंक से अच्छा पहला बैंक कोई भी नहीं होगा। तो 15 से 20 दिनों का देखिएगा अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस बैंक पे आप फोकस कर सकते हैं, जल्द ही ये देखिएगा रिबाउंड करेगा लाइक निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के साथ देखिएगा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो जनवरी 15 जनवरी 20 जनवरी जब तक इनके क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो यहां पे आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
सेकेंड अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक देखिएगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक है और रिबाउंड भी उस तरीके से नहीं कर पाया, और आफ्टर कोविड जिस तरीके से अदर बैंक ने रिटर्न दिए इस बैंक ने नहीं बनाए। तो इस बैंक में मैंने अगर आपने लाइव चैट भी किया होगा या फिर आपने कई बार पूछा होगा इस बैंक के बारे में, तो मैंने हमेशा बताया है कि इस बैंक को केवल मैं ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करता हूं, लाइक मैं हमेशा इस बैंक में ट्रेडिंग करता हूं, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूं इस बैंक में। क्यों मैं करता हूं? क्योंकि मुझे पता है जब मुझे अट्रैक्टिव लेवल पे देखने मिलता है तो ये रिबाउंड बहुत अच्छी तरीके से करता है, बाउंस बैक बहुत अच्छी तरीके से करता है, और मुझे ज्यादा बैलेंस शीट इसकी इंटरेस्टेड लगती नहीं है, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म पे इस पे फोकस नहीं करता। रिटर्न की बात करेंगे तो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है एक चीज जो है इनकी बुक वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उससे कम पे देखिएगा ये बैंक देखने को मिला है, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस बैंक का। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक को लाने की वजह क्या है कि पिछले क्वार्टर में इनके लॉस हो गए थे, अचानक से बड़े लॉस हुए, तो स्टॉक ने 240 के लेवल से देखिएगा 200, 190, 180 का लेवल दिखाया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर इनके थोड़े से बेहतर हुए थे। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर बेहतर आते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो वहां पे चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। इस समय टोटली ओवरसोल्ड में है, ये भी एक वजह है। तो आपको अपकमिंग इवेंट में निफ्टी बैंक में भी देखिएगा, जैन की एक्सपायरी में आपको निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे बैंक होंगे जो रिबाउंड कर सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहेंगे तो देखिएगा लॉस लास्ट क्वार्टर टू लास्ट क्वार्टर में ही हुआ था, तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। कुछ भी बैंक इंप्रूव करता है, बैलेंस शीट इंप्रूव करता है, ग्रोथ पे ध्यान देता है, तो स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर वहां पे आपको मोमेंटम आएंगे। मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक आरबीएल बैंक के बारे में, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे अच्छी बात क्या है, स्टॉक देखिएगा अभी पिटा हुआ है, अभी कई बार ये स्टॉक देखिएगा 162 के लेवल से, लाइक देखिएगा जो बेस सपोर्ट है 162 के लेवल से कई बार ये रिबाउंड कर चुका है, कई बार ये स्टॉक इस लेवल पे आता है फिर वहां से रिबाउंड करता है, और आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर बता रहा हूं कि वॉल्यूम भी आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां से टर्न अराउंड होगा तो ये स्टॉक काफी तेजी से भागता है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप 5 डे चार्ट पे देखेंगे या फिर 1 मंथ चार्ट पे देखेंगे तो यहां पे चीजें अभी आपको देखेगा काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही हैं। RSI देख लीजिए, MACD देख लीजिए, अभी दोनों ही देखेगा यहां पे बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है बैंक में, ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रहा है आपको। तो अगर आप किसी एक 10-15 दिन के लिए किसी बैंक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट न्यूज को देखते हुए आरबीएल बैंक में भी आप फोकस कर सकते हैं। तो अब आरबीएल बैंक में देखिएगा रेजिस्टेंस क्या होंगे, पहला तो 182 अगर देखिएगा होता है तो 187 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके बाद ही मोमेंटम अच्छा आगे बढ़ेगा। सो दीज आर द लेवल और दीज आर द बैंक जिस पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।